मैंने जो नजारा देखा था कि एक सल्फर में इतना कार्य होना ये हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन मानना और किसी का सत्कार करना और किसी के कार्य को समझना ये हमारा धर्म होता है। यानी हम भी अभी मीडिया से संबंधित है, लेकिन डिजिटल मीडिया और टिकाऊ मीडिया दो तरीके की मीडिया होते हैं सर। एक तो सच्ची बात जो मीडिया गलत लोगों के संपर्क में आकर गलत धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहूँगा? मीडिया एक स्वतंत्र एक रूप से प्लेटफॉर्म है और जो स्वतंत्र उनकी जो प्रथम एक उद्देश्य होता है, और हमेशा जो मीडिया जो होते हैं तभी वो सही होते हैं, वो जैसा आपको देगा हाल होता है उनको वही बताना चाहिए। और अगर कोई जो आपने आंखों से देखा है और उसको परिवर्तित करके आप अगर दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं तो गलत है। जो आपके आंखों के सामने होता है वही करना चाहिए, क्योंकि आडंबर दिखावा या जादू टोना ऐसा कोई प्रोक्स नहीं है। और मैंने जहां तक देखा है यहां काली कमंडली वाले बाबा जी ने जो मेरे सामने 8-10 भक्तों को किया था, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहला इससे जो कभी उठ नहीं सकते थे, ये जो बाबा है मैं बातों टाइम से मेरे न्यूज को आप सर्च करके देखेगा, जो मैंने जो आंखों देखा हाल बताया था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा था मैंने वही बताया और मैंने वही किया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो बुजुर्ग उठ नहीं सकते थे, लेकिन बाबा जी ने अपने माता जी के आशीर्वाद कह सकते हैं, चाहे उनका नॉलेज कह सकते हैं, या कोई ऐसा डॉक्टर है या कोई ऐसा नसों का ज्ञान है उन्हें, जो एक नस पकड़ते ही उसका जो शरीर एक जो काम करने लगा है और वो कदम से कदम चलने लगे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इस ऐसे विज्ञान के युग में भी एक साल भर में किसी को ठीक नहीं कर सकता, किसी को ठीक नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर किसी में कोई चमत्कार है, किसी में कोई नॉलेज है, तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनको पूरा समय देना चाहिए, जो ताकि आपके घर में अगर कोई अपाइज हो। मैं जानना चाहता हूँ कि जिसके घर में अपाइज है उनका पूरा परिवार सेवा करता है, और उसको कुछ नहीं चाहिए, जो अपाइज व्यक्ति होता है उसको कुछ नहीं चाहिए। आपके पास में हाथ है, पाँव है, आपको संवारने के लिए आपका शरीर है, लेकिन जिसके पाँव नहीं है, जिनके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं दो कदम चल सकूँ और मेरा जो अंग है वो सही हो सके। लेकिन अगर वही बाबा जी उसके अंग और हाथ पाँव को ठीक कर देते हैं और वो अगर चलने लग जाते हैं, तो ये समझो कि उस अपाइज के लिए तो वो तो भगवान है जो साक्षात उसके सामने है। जैसा कि मैं भास्कर टाइम्स रिपोर्टर कुमार ने आपको बताया, मैंने हर तरीके के दो तरीके के आदमी होते हैं सर, हर तरीके के गलत और सही थोड़ा है पूरा ये, तो हर क्षेत्र में गलत है सर। अगर भगवान है तो राक्षस भी होंगे, अगर देवी है तो देवता भी होंगे, स्त्री है तो पुरुष भी होंगे, दो जोड़े हैं सर। अगर सही है तो गलत भी होगा और सत्य है तो असत्य भी होगा, लेकिन सत्य परेशान ज्यादा हो रहा है इस कलयुग के अंदर। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता सर, कभी हार नहीं सकता, सत्य की जीत हमेशा होगी। और ऐसे ऐसे कर्मवीर जो होते हैं मीडिया के संबंधित व्यक्ति होते हैं, आपकी बोलिए सर। यस सर, तो मीडिया के क्षेत्र में यूट्यूब को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।